हेलो दोस्तों, आइए समझते हैं फ़िल्टर कमांड का यूज़ कैसे करना है और फ़िल्टर और क्यू सेलेक्ट में डिफरेंस क्या है। छोटा सा, जैसे क्यू सेलेक्ट की वीडियो पड़ी हुई है, आप पहले उसे दे सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो जैसे फ़िल्टर कमांड जो होती है, बेसिकली ये हमें, जैसे नाम इंडिकेट करता है, ये हमें चॉइस देता है कि हम पूरी की पूरी ड्राइंग में से जो भी हम सिलेक्शन या जो भी रेक्टेंगल से जो भी सेलेक्ट करेंगे, वो उसमें जो हमने लेयर सेलेक्ट करनी है या पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, वो सेलेक्ट होके हमें दिखेगा और उसे हम डिलीट कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं, कॉपी जो भी कर सकते हैं। चले पहले हम देख लेते हैं कि फिल्टर कमांड Fi टाइप करिए, फिल्टर फर्स्ट ऑप्शन एंटर करिए, फिल्टर आ गया। ठीक है, अब जिसमें समझिए GH लेआउट एक लेयर है, GH लेआउट नाम की, ये हमें पूरी की पूरी सेलेक्ट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि GH लेआउट लेयर कौन सी है। इसमें जो ग्रीन वाला है, ये सब ये GH लेआउट्स हैं। ठीक है, ये ग्रीन वाले जितने रेक्टेंगल्स लाइन दिख रहे हैं, तो हम लोग फिर से फिलेट एंटर। अब ये पहले मैं क्लियर लिस्ट कर देता हूँ। इसमें से हम लोग सेलेक्ट करेंगे एल लेयर। अब लेयर कौन सी थी, GH लेआउट सेलेक्ट। यहाँ से हम G टाइप के या स्क्रॉल करके GH लेआउट सेलेक्ट करेंगे, ओके, एड टू लिस्ट कर देंगे। ठीक है, ये लिस्ट में आ गई, यानी इसमें हमें मल्टीपल ऑप्शंस है, यानी ये क्यू सेलेक्ट तो क्विक सेलेक्ट है, मतलब एक फीचर के अंदर ही फीचर उसके जो भी है लेयर्स के अंदर कोई पर्टिकुलर फीचर सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट हो या सर्कल हो, एम टेक्स्ट हो, वो सेलेक्ट कर सकते हैं क्विकली। पर इसमें हमें ये ज़्यादा बड़ा ऑप्शंस देता है फिल्टर। इसमें हम ऐड टू लिस्ट करते जाएंगे, जो भी हमें समय समय 4-5 लेयर सेलेक्ट करना है, तो हम सेलेक्ट करके ऐड करते जाएंगे, सब सेलेक्ट करता जाएगा। ओके, कोई फीचर सेलेक्ट करना है, ब्लॉक रेफरेंस सेलेक्ट करना है, पॉलीलाइन, वो भी सेलेक्ट करता जाएगा, स्प्लाइन, सरफेस, सब कुछ। यानी इसमें हम पूरी की पूरी एक लिस्ट बना सकते हैं कि हमें क्या क्या सेलेक्ट करना है एक ही बार में, और उसे डिलीट कर सकते हैं। एक ड्राइंग क्लीन करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम एक देख लेते हैं। इसमें ये हो गया, अब हमें अप्लाई करना है। अब ये हमें पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो मुझे इसमें से वो सेलेक्ट करना है। देखिए, जैसे ही मैंने वो सेलेक्ट किया, उसमें से जो मेरी जो लेयर थी GH लेआउट की, वही सब हाईलाइट दिख रही है, हाईलाइट हो गई। बस इसे हमें डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एंटर। अब कोई भी कमांड यहाँ पे मूव करना है, कॉपी करना है या इरेज करना है, तो मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं मूव करके दिखाता हूँ, मूव बेस पॉइंट, देखिए सब मूव हो रहा है। ओके, मूव की जगह कॉपी करता तो कॉपी हो जाती, डिलीट टाइप करता तो डिलीट हो जाती, ऐसे।